तो हेलो गेमर, एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल बॉय गेमिंग में। तो भाई लोग, आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया तो आपकी वीडियो किस तरह होने वाली है। आपकी वीडियो होने वाली है टॉप 5 न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप बिना कुछ देखे बढ़ते वीडियो की तरफ, तो बढ़ते फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो आप देख सकते हो मैंने क्लॉक टावर के बाजू वाले घर पर आ गया हूँ, और इधर आके आपको कुछ इस तरह जैसे मैं बैठा हुआ सेंसिटिविटी कम करके आराम से आके इस पर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक स्टैंड हो जाना है। स्टैंड होने के बाद धीरे धीरे ट्राई करना है कुछ जंप करने के लिए। आपको एक फट से एक स्प्रिंट वाला बटन दबा के आपको जंप वाला बटन दबाना है, और ओपी वाला इधर आके बैठ जाना है। तो रुको, पहले मांग से ट्रक वाले को मार दो। चलो भाई भाग गया, चलो कोई बात नहीं। आपको कुछ इस तरह जैसे मैं आ गया वैसे ही आ जाना है, और यहाँ से आप किसी को भी आराम से शूट कर सकते हो। फिलहाल इधर कोई तो कवर है नहीं, तो आप एक ग्लोअल तो ज़रूर लेके आना। तो आप यहाँ से एक ऊपर और भी ऊपर एक हाइट पर जा सकते हो किसी को मारने के लिए। तो कुछ इस तरह ज़्यादा रश नहीं करना, वरना आप गिर भी सकते हो। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ से बैठ के आप शूट कर सकते हो किसी को भी, और बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि गोली कहाँ से चल रही है। तो एक वॉल ज़रूर आप अपने साथ लेके आना, ताकि आपको कोई डैमेज दे तो आप आराम से एक कवर बना लो। तो ऐसे आगे बढ़ते सेकंड ट्रिक्स की तरफ। तो सेकंड ट्रिक्स होने वाली है कार्टुलिस चुगा में। तो आप लोगों को पता रहेगा एक एल वाला शिप वाला जो घर है, इधर आपको कुछ मैंने गलत डिकॉय ग्रेंट रिलीज कर दिया। आपको एक डिकॉय ग्रेंट लेके आना है। मैं आपको बताने के लिए डिकॉय ग्रेंट लेके आ रहा हूँ कि आपको यहाँ एक बंदा खड़ा रहेगा तो आपको क्या करना है। अगर आपको इधर एक प्लेस कर दिया मैंने बंदा, तो मैं आपको नीचे आके बता दूँ कि आप क्या गलती करते हो। अगर आप उनको एक बंदा आपको रश मतलब आपको इधर ऊपर से डैमेज आप रश करते हो, तो कुछ इस तरह वो बंदा आपको निकल के आराम से मार सकता है, आराम से आपको शूट कर सकता है, और आप वहाँ से डैमेज नहीं दे पाओगे, उतने ज़्यादा उसको डैमेज नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बाहर जस्ट बाहर जाना है और एक ग्लूवल अपने पास रखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट बाहर जाना है। तो बाहर आप देख सकते हो कुछ ऐसे ब्लॉक्स पड़े हुए लकड़ी के, मतलब ब्लॉक्स पड़े हुए। तो फिर आपको कुछ एक ग्लूवल लेना है, और उसको आराम आराम से कुछ इस तरह जैसे मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ एकदम आराम से धीरे धीरे। कुछ ऐसा चाहिए तो आप क्राउड होकर भी प्लेस कर सकते हो। कुछ इस तरह जैसे मैं प्लेस कर रहा हूँ वैसे ही आराम से एकदम प्लेस करना। ये दे ओपी सा एकदम कुछ ऐसे आ जाना है, एकदम ओपी से थोड़ा ऊपर हाइट पे, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा बस एकदम ओपी कड़क वाला प्लेस कर देना कुछ इस तरह। इसके बाद कुछ चढ़ने की कोशिश करना है। चढ़ने के बाद आपको इस तरह बॉक्स पर चढ़ जाना है, आप गिरोगे नहीं, टेंशन मतलब आपको इधर से ओपी वाला एकदम चढ़ जाना है। तो फिलहाल मेरा डिकॉय ग्रेनेड खत्म हो गया, यहाँ से आप आराम से शूट कर सकते हो बंदे को। वो बंदा उधर का खड़ा ही खड़ा रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ये ट्रिक थोड़ा मतलब फास्ट करनी होगी, आप चाहिए तो बहुत बार मतलब थोड़ी थोड़ी बार प्रैक्टिस कर लो, एकदम ओपी वाला इधर से ट्रिक्स आपको मिल जाएगी। आपको धीरे धीरे आपको इधर से आराम से मार सकते हो, और बंदे को पता भी नहीं चलेगा, बंदा आपको डैमेज भी नहीं दे पाएगा। जिससे आपको डैमेज देने लगेगा तो आप यहाँ से कूद जाना, कोई बात नहीं। तो भाई लोग आगे बढ़ते थर्ड टिप्स की तरफ। हम आगे थर्ड टिप्स की तरफ। तो थर्ड टिप्स फिलहाल तो बहुत ओपी नहीं है, लेकिन एक जब बंदा आपको रश करने लगे, आपको मारने लगे सेंटोसा पे, आपको भगा के मारने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इधर रखे उसको पलट के जवाब देना चाहिए। आपको कुछ इस तरह जैसे आपको ट्रक पे बैठ जाना है, ट्रक के ऊपर बैठने के बाद इधर से उसको आराम से एकदम कड़क वाला ओपी वाला इधर से आप हेड मार सकते हो। फिलहाल तो कोई बंदा है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको मार के दिखा था। इधर से आपको एकदम कड़क वाला ओपी वाला एकदम मतलब मिल जाएगा, एकदम कड़क वाला आपको व्यू मिल जाएगा। इधर से व्यू एंगल इधर से बहुत कड़क मिल जाएगी, यहाँ से आप आराम से शूट कर सकते हो। ये मतलब आपको काम आ जाएगी जब आपको कोई बंदा रश कर रहा है उसको मार रहा है। तो आगे बढ़ते फोर्थ टिप्स की तरफ। तो हेलो गाइस, हमारी फोर टिप्स फिर से होने वाली है क्लॉक टावर में। क्लॉक टावर के आपके एक घर तो देखा होगा जो नीचे वाला घर है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लैंडमाइन लेके आना है। चाहिए तो आप दो तीन लैंडमाइन भी लेके आ सकते हो, अगर आपको बंदे को ज़्यादा डैमेज देना है। तो लैंडमाइन की ट्रिक से जो किसी को पता नहीं रहेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने हाथ में एक लैंडमाइन जस्ट ले लेना है। लैंडमाइन लेने के बाद आपको जो पिलो है पिलो के ऊपर चढ़ के एक लैंडमाइन जैसे मैंने प्लेस किया वैसे प्लेस कर दिया है। प्लेस करने के बाद इधर थोड़ा दूर आ जाना है ताकि आपको डैमेज ना पड़े। और आप देख सकते हो कि देखो इधर आप देख सकते हो कि लैंडमाइन मैंने प्लेस किया, लेकिन बताया नहीं था कि इधर लैंडमाइन प्लेस किया। एकदम ओपी वाला ट्रिक है भाई, एकदम ओपी वाला है। इधर आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने लैंडमाइन प्लेस किया। आप चाहिए तो बंदे को इधर से गोली मार के इधर से बुला सकते हो कि आ भाई मुझे मार ले, लेकिन वो आएगा, और जैसे आप दरवाजे के पास खड़े रहो जिस भी अंदर से भागेगा वैसे ही डैमेज खा जाएगा। तो आप आराम से शूट कर सकते हो भाई लोग, देख सकते हो एकदम ओपी वाला ट्रिक है भाई। तो किसी को पता नहीं तो भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ओपी ट्रिक्स के लिए। तो आगे बढ़ते फिफ्थ टिप्स की तरफ। तो जो हमारी लास्ट फिफ्थ टिप्स होने ट्रिक क्या होने वाली है, जो ये जो ट्रिक है मैंने बहुत पहले इस्तेमाल किया था, बहुत ओपी ट्रिक थी, लेकिन क्या पता अभी काम करेगा कि नहीं, तो भाई देखते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने एक मॉन्स्टर ट्रक को ले लेना, आप फिलहाल कोई गाड़ी से होगा नहीं एक मॉन्स्टर ट्रक, क्योंकि इसके टायर बहुत लंबे लंबे होते हैं, मतलब बड़े हाइट में बहुत लंबे होते हैं। तो कुछ इस तरह ये जो ट्रैक दिख रहा है आपको येलो कलर का ट्रैक, उसके और जो ये जो मतलब एक हाइट है उसके ऊपर धीरे धीरे आपको प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आपको ट्रक से उतर जाना है और देखना है इधर आप मतलब एकदम सेंटर में है कि नहीं। सेंटर में रहेगा तो आपको एक लिखाना है
कुछ ऐसे लॉन्च वाला लेके आ जाना, इधर आके प्लेस कर देना नीचे नीचे, एकदम कड़क वाला लगा देना जो आपका एयर ड्रॉप रहता है। इधर फिलहाल एक बंदा मुझे मार रहा है, ताकि मतलब बहुत कड़क वाला डैमेज दे दिया फिलहाल। चलो भाई पहले वो बंदे को डैमेज दे देते। बंदा फिलहाल दिख रहा नहीं कि बंदा है कि इधर। एक मेडी मार लूँ फटाक से, मेडिक आने के बाद उसको जाके ख़त्म कर दूँ पहले, नहीं तो वीडियो बनाने नहीं देगा। अरे हर यूट्यूबर को लोग ये प्रॉब्लम तो ज़रूर रहती है कि कोई ना कोई तो उसको परेशान करते रहते। फिलहाल वो दिख रहा है, उसको हेड मारने की कोशिश करते। हाँ कड़क वाला क्यूपिड्स का उसको हेड पड़ गया। फिर तो बंदा ख़त्म, अपनी वीडियो को शुरू करते। तो आपको कुछ ऐसा लेके आना है अपना सुमन एड्रॉप। सुमन एड्रॉप लाने के बाद आपको इधर से एकदम सेंटर में ऐसा प्लेस कर देना है। तो इधर आके आपको देखना इधर कि ये सेंटर पे है कि नहीं। आप लोग देख सकते हो एकदम ओपी वाले सेंटर पे। तो आपको एकदम ड्राइव पे बैठ कर देना और एकदम गाड़ी को एकदम एडजस्ट कर देना है, ताकि वो सेंटर में जाए। सेंटर में होने के बाद आपको देखना है कि मतलब है कि नहीं बराबर। बराबर लाने के बाद आपको कुछ इंतज़ार करना है कि सुमन एड्रॉप आपके पे गए। सुमन जब तक सुमन एड्रॉप दूर रहते भाई लोग, आपका हाथ अपने मेरे सब्सक्राइब बटन पे दबा दो यार, और लाइक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सुमन गिरने से पहले। तो भाई सुमन गिर ही रहा है, 1 2 3। तो सुमन गिर गया, आप देख लो देख सकते हो, लेकिन ये ट्रिक काम नहीं करी। मेरा पचका हो गया, बहुत कड़क वाला पचका हो गया। लगता है गरीना ने ट्रिक सही कर दी, वरना मतलब जो मॉन्सर ट्रक है वो सीधा उड़ के फैक्ट्री के छत पे जाता था। तो फिलहाल आप लोग ये ट्रिक तो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ट्रिक अब काम नहीं करती। गरीना ने इसे फिक्स कर दिए, एकदम ओपी ट्रिक थी यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो ऐसी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई।